नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं हाल ही में टेस्ट किए गए इंडियन नेवी द्वारा MRSAM के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, MRSAM एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और जिसे डेवलप किया है इसराइल और इंडिया ने। और साथ ही इसी डिफेंस सेगमेंट में बात करने वाले हैं अभी हाल ही में अनाउंस किए गए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा SU-57 पाकपा के एक्सपोर्ट वर्जन को लेके, जो कि वो एक्सपोर्ट वर्जन इंडिया और चाइना को एक्सपोर्ट किए जाएंगे, तो उसको लेके कुछ अनाउंस किया है मिस्टर पुतिन ने, तो उसे भी जानेंगे। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। विद द न्यू YPS स्कैन ऐप, यू नो लॉन्गर नीड टू पे फॉर योर कॉल्स। यू विल इमीडिएटली रिसीव अ वेलकम बोनस टू योर अकाउंट। इफ द बैलेंस इज ओवर, यू विल बी ऑफर टू वॉच द वीडियो एंड विल बी क्रेडिटेड फॉर दैट व्यूइंग इन बोनस मिनट्स। कॉल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन लैंडलाइन फोन और एनी ऑपरेटर एट अ फिक्स्ड प्राइस। द एवरेज एक्सपेंस ऑफ सब्सक्राइबर्स YPS स्कैन ऐप पर मंथ इज $1.50, सो इट इज प्रॉफिटेबल। एंड वन मोर थिंग, कॉल एंड चैट इनसाइड द एप्लीकेशन इज कंप्लीटली फ्री लाइक एनी अदर मैसेंजर। सो यू कैन डाउनलोड दिस इंटरेस्टिंग ऐप बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे MRSAM के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी टेस्टिंग नेवी ने की है। और ये MRSAM सरफेस वर्जन, जिसे इजराइल और इंडिया ने डेवलप किया है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM का ही नेवल वर्जन है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये MRSAM का टेस्ट इतना क्यों खास है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस टेस्ट के दौरान नेवी के वेसल्स ने एक ऐसा फीचर अचीव किया है जो कि इस दुनिया में बहुत कम ही नेवी के पास है। और वो फीचर है किसी एक वेसल से दो टारगेट को हिट करने की जो कैपेबिलिटी है, वो नेवी ने अचीव की है। और जिसका परिणाम ये होता है कि रडार सिग्नेचर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स किसी भी शिप के कम हो जाते हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से जानते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, किसी भी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के लॉन्च के दौरान जो वॉरशिप पे रडार होता है, जिसे मल्टीफंक्शनल सर्विलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन रडार कहते हैं, MF*, वो यूजुअली ऑन हो जाता है। और जैसे ही हमारा शिप कोई MRSAM लॉन्च करता है, तो वो रडार उस MRSAM को गाइड कर रहा होता है। और हमारा MRSAM दुश्मन के द्वारा फायर किए गए एंटी शिप मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए चल पड़ता है। और जैसे ही दुश्मन का एंटी शिप मिसाइल 100 किलोमीटर दूर होता है, तो हमारा रडार हमारे MRSAM मिसाइल को दुश्मन के आ रहे एंटी शिप मिसाइल के प्रॉक्सिमिटी में ले जाता है। और उसके बाद हमारे MRSAM का जो सीकर है, वो कंट्रोल्स ले लेता है रडार से, और तब जाके वो दुश्मन के एंटी शिप मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देता है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये हमारे शिप से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर होता है, मतलब दुश्मन के पास अभी भी टाइम है कि वो सेकंड मिसाइल लॉन्च कर दे, अगर उसका फर्स्ट मिसाइल हमने इंटरसेप्ट कर दिया है तो। और इस केस में सेकंड मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए हम अपने किसी दूसरे वॉरशिप से एक और मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे दूसरे वॉरशिप की लोकेशन और उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर, वो भी दुश्मन के रडार पे आ जाता है। और दुश्मन किसी एंटी रेडिएशन मिसाइल से हमारे सेकंड वॉरशिप द्वारा इंड्यूस किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को ट्रेस करके उसको भी मारने के लिए एंटी शिप मिसाइल भेज सकता है। सो इस तरह से हम अपने दो शिप को वल्नरेबल बनाते हैं दो डिफरेंट मिसाइल लॉन्च करके। लेकिन यहाँ पे नेवी ने क्या खास किया है, इस टेस्ट के दौरान नेवी ने एक मिसाइल लॉन्च किया INS कोची से, जबकि दूसरे मिसाइल को लॉन्च किया INS चेन्नई से। और इन दोनों ही मिसाइल को यहाँ पे INS कोची के रडार से गाइड किया गया, जबकि INS चेन्नई का जो रडार है उसे ऑफ कर दिया गया। और जिसका परिणाम ये हुआ कि INS चेन्नई के रडार से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर इंड्यूस होते, उसको बंद कर दिया गया, मतलब INS चेन्नई की जो लोकेशन है वो अनट्रेसेबल बना दी गई। और यहाँ पे INS कोची पे लगे MF*STAR रडार से दोनों मिसाइल को गाइड किया गया। और आप जानते हैं कि ये दो मिसाइल कौन है, एक मिसाइल तो वो जिसे INS कोची ने लॉन्च किया, और एक मिसाइल वो जिसे INS चेन्नई ने लॉन्च किया। तो इन दोनों ही MRSAM मिसाइल को INS कोची के MF*STAR रडार से गाइड किया गया, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा लिंक के द्वारा किया गया। और इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा लिंक का यूज करके जो INS चेन्नई का रडार कंट्रोल था, उसके द्वारा लॉन्च किए गए MRSAM से उसको INS कोची को दे दिया गया। और INS कोची अपने रडार कंट्रोल पे इन दोनों ही मिसाइल को गाइड करने में सक्षम था। तो इस तरह की कैपेबिलिटी दुनिया में बहुत कम ही नेवी के पास है। और इस तरह की कैपेबिलिटी आ जाने से जो नेवी की इंट्रा ऑपरेटिबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। मतलब नेवी किसी भी एक ग्रुप को फॉर्म कर सकती है ऑपरेशन को करने के लिए, और इस ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट तरह के वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर्स ऐड किए जा सकते हैं। और ये ग्रुप फॉर्मिंग किसी भी ऑपरेशन को लीथल बनाती है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, INS कोलकाता, चेन्नई और कोची, ये सभी तकरीबन 32 मिसाइल्स डिप्लॉय करने में सक्षम है, वो भी वर्टिकली लॉन्च मिसाइल्स VLUs। जैसा कि आप सबको बता दूं, जो MRSAM डेवलप किया है इंडिया और इजराइल ने मिलके, इसमें इजरायली कंपनी II ने तकरीबन 80% कंपोनेंट डेवलप किए हैं। और ये सिर्फ MRSAM तक सीमित नहीं है, इजरायली कंपनी II और एल्टा ने जो MF*STAR है, जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स पर डिप्लॉय है, उसे भी 70% पार्टिसिपेशन दे के डेवलप किया है इजराइल ने, जबकि इस मिसाइल का जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो हमारे DRDO ने डेवलप किया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही हो, किसी भी मिसाइल का जो प्रोपल्सन सिस्टम होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो इस मिसाइल में लगे डुअल पल्स मोटर, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल हार्नेस, जिसे आप वायरिंग कहते हो, तो इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम DRDO ने डेवलप किया है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में
जो इंडिया की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है उसका भी काफ़ी अच्छा खासा हाथ रहा है, और आने वाले दिनों में भारत डायनेमिक्स को ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो बागडोर है वो इंडियन नेवी की तरफ से दी जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी डिफेंस लेवल में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा अनाउंस किया गया रिसेंटली एक स्टेटमेंट के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, इस स्टेटमेंट के दौरान उन्होंने ये बताया कि रशिया जल्द ही अक्वायर करने वाला है तकरीबन 76 सुखोई SU-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर, और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि 2028 तक तकरीबन 114 फाइटर वो रशियन एयरफोर्स में इंक्लूड करने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी इनिशियल 76 में से तकरीबन 16 वो इंडक्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि जल्द ही हम SU-57 का एक्सपोर्ट वर्जन SU-57E उसको प्रपोज करने वाले हैं इंडिया और चाइना को, जिसकी प्राइसिंग तकरीबन 20% से रिड्यूस करने की प्लानिंग है, और मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में हो रहा है दुबई एयर शो के दौरान ये SU-57 का एक्सपोर्ट वर्जन रिवील किया जाएगा। जैसा कि आप सबको बता दूं, इंडिया और रशिया के दौरान बनाए जाने वाले फिफ्थ जनरेशन फाइटर FGFA को इंडिया ने कुछ प्राइस नेगोशिएशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के इशू की वजह से छोड़ दिया इंडिया ने, लेकिन जो SU-57 के इम्पोर्ट को लेके अटकलें थी वो अभी भी जारी हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया हो सकता है कि SU-57 को इंपोर्ट करे लेकिन कम ही अमाउंट में करेगा। और दूसरी तरफ रशिया भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टर ढूंढ रहा है अपने फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम को बनाए रखने के लिए, और जहां तक ऐसी उम्मीद है कि रशिया के एक SU-57 एक्सपोर्ट वर्जन की प्राइस कहीं ना कहीं 110 से लेके $120 मिलियन पर एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में पड़ने वाली है। तो इस प्राइस को लेके और इंडिया के इम्पोर्ट को लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं SU-57 के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो बस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।